नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में अब राजनीतिक शक्ति परीक्षण की घड़ी नजदीक नजर आ रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दलों को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया है। खबर है कि बागी विधायक गुरुवार को मुंबई लौट सकते हैं, तो जानकारों का कहना है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर बने रहकर हालात को और बिगाड़ दिया। वहीं फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए जाने की सूचना मिलते ही बागी विधायक एकनाथ शिंदे अपने गुट के सभी विधायकों को लेकर कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस बीच पालघर स्थित तारापुर MIDC प्लांट में मंगलवार देर रात एक के बाद एक कई धमाके होने से भीषण आग लग गई, तो उधर संभावना जताई जा रही है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी अपना खुदरा कारोबार बेटी ईशा को सौंप सकते हैं। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में बीते एक सप्ताह से जारी सियासी तूफान थम सकता है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दलों को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया है। खबर है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में असम के गुवाहाटी में ठहरे बागी विधायक गुरुवार को मुंबई लौट सकते हैं। फिलहाल शिंदे के पास सत्तारूढ़ शिवसेना के करीब 39 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी और कुछ निर्दलीय विधायक भी गुट का समर्थन कर रहे हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसके लिए उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है। पूरा सत्र सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सचिव राजेंद्र भागवत के नाम लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा है कि कुछ नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयानों को देखते हुए मतदान प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और संभावित कानून और व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए विधान भवन के अंदर और बाहर पर्याप्त सुरक्षा तैनात की जाएगी। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर मैं सुनिश्चित करूंगा कि सदन विश्वास और समर्थन के साथ सुचारू रूप से चले, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए पत्र जारी कर दिया है। इसी बीच शिवसेना विधायक ने नए गुट की बात पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, वह अभी भी अपने आप को शिवसैनिक ही बता रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच जानकारों का कहना है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर बने रहकर हालात को और बिगाड़ दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 20 जून को बगावत की खबर मिलने के बाद उद्धव ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में देर रात बैठक बुलाई। साथ ही अगले दिन भी मीटिंग बुलाई गई, जहां सभी चुने गए सदस्यों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। अब यहां कम उपस्थिति रहने के चलते कथित तौर पर उद्धव को लगने लगा था कि हालात नियंत्रण के बाहर जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार उद्धव ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन पवार ने उन्हें सामना करने के लिए कहा। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इसी के चलते उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना सामान वर्षा से हटाया और अपने बेटों आदित्य और तेजस, पत्नी रश्मि के साथ मातोश्री पहुंच गए। एक अंदरूनी व्यक्ति का कहना है कि योजना एक अच्छी विदाई की थी। उद्धव फेसबुक पर संबोधन के बाद पद छोड़ने के फैसले का ऐलान करना चाहते थे। पवार ने उन्हें रुकने और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लेने के लिए कहा था। यह भी देखा गया कि महाविकास आघाड़ी भाजपा के खिलाफ जंग में मिलकर लड़ेगी। एक वर्ग का मानना है कि शायद उद्धव ने पद पर बने रहकर गलत किया। इससे ये भी नजर आया कि राकांपा अगुवाई कर रही है। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए वो अपने समर्थक विधायकों के साथ मुंबई जाएंगे। फिलहाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए जाने की सूचना मिलते ही वो अपने गुट के सभी विधायकों को लेकर कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने यहां महाराष्ट्र की शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। हम कल बहुमत प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए मुंबई जाएंगे और सभी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 50 विधायकों का समर्थन है। सीएम उद्धव ठाकरे के संपर्क में 20 बागी विधायकों के होने के दावे को भी उन्होंने खारिज किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर उनके गुट के 20 विधायक उद्धव के संपर्क में हैं, तो वह नाम बताएं। शिंदे ने जोर देकर कहा कि हम बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करने में जान लगा देंगे। जानकार भी मानते हैं कि बागी विधायकों का अपने निर्वाचन क्षेत्रों से गहरा संबंध है। साथ ही कई बागी विधायकों के उदय के साथ शिवसेना का विकास हुआ है। इन नेताओं को मानने वालों की मजबूती संख्या है, इसका असर पड़ेगा, इसीलिए बागी विधायक हिम्मत से लबरेज है। पालघर स्थित तारापुर MIDC प्लांट में मंगलवार देर रात एक के बाद एक कई धमाके होने से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई।
वहीं दमकल कर्मियों ने कहा कि अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता था। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात बोईसर के तारापुर इंडस्ट्रियल इस्टेट में प्रीमियर इंटरमीडिएटरी केमिकल कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। कंपनी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात होने के कारण आग की लपटें विकराल और डरावनी प्रतीत हो रही थी, लेकिन रात होने के कारण लोग पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। रात होने के कारण दमकल को आग बुझाने के लिए काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। 3 दमकल गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश करती रही। कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रयास यही था कि आग के फैलाव को किसी तरह रोका जाए। कंपनी में आग लगने के कारण केमिकल धुआं निकालने से आसपास के लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। सांस संबंधी परेशानी अभी भी बनी हुई है। मामले की जांच की जा रही है। कंपनी ने कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हताहतों को आवश्यक राहत दिलाने की कोशिश होगी। देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक रिलायंस समूह में अगली पीढ़ी को कमान देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के बोर्ड का चेयरमैन बनाकर उनका राज तिलक हो गया है। कंपनी के निदेशक मंडल की 27 जून को हुई बैठक में गैर कार्यकारी निदेशक आकाश को चेयरमैन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी की 3 संतानें हैं, जिनमें आकाश एवं ईशा जुड़वा भाई बहन हैं, जबकि अनंत अंबानी सबसे छोटे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अंबानी अपने खुदरा कारोबार को बेटी ईशा को सौंप सकते हैं। ईशा अंबानी ने येल ऑफ स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की है। 2015 में उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। वे जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो लिमिटेड, रिलायंस रिलेट वेंचर्स के बोर्ड में शामिल है। दिसंबर 2018 में ईशा की शादी कारोबारी अजय पिरामल के बेटे आनंद पिरामल से हुई। 28 दिसंबर 2021 को धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी ने कहा था कि युवा पीढ़ी अब लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब मैं उत्तराधिकार की प्रक्रिया को तेज करना चाहता हूं। हमें नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और बैठकर तालियां बजानी चाहिए। मैं हर दिन रिलायंस के लिए बच्चों के जुनून, कमिटमेंट और समर्पण को देख और महसूस कर सकता हूं। मैं उनमें वही आग और काबिलियत देखता हूं जो मेरे पिता के पास लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने और भारत के विकास में योगदान देने के लिए थी। देवबंद में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों के बीच आतंकवादी संगठन जमाल उल मुजाहिदीन की विचारधारा को प्रचारित करने का मामला सामने आया है, तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ से पहले प्रवर्तन निदेशालय को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। वहीं ट्रेनों के शौचालयों में गंदगी रहने की लगातार शिकायतें मिलने पर रेलवे ने अपने अधिकारियों से व्यक्तिगत तौर पर इसका निरीक्षण करने को कहा है। इसी बीच राजस्थान के उदयपुर में कल कन्हैयालाल नाम के टेलर की हत्या के मामले में अहम खुलासा हुआ है। इसमें पुलिस भी कटघरे में खड़ी दिख रही है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में मेडिकल सीटों के खाली रह जाने पर चिंता प्रकट किए जाने के बाद सरकार इसके लिए नया तंत्र विकसित करने की तैयारी में जुट गई है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देवबंद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ये पूरा मामला यहाँ पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की पढ़ाई से जुड़ा बताया जा रहा है। खबर है कि यहाँ पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्र में आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन की विचारधारा को प्रचारित किया जा रहा है। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी की ओर से देवबंद पे छापा मारा गया। इस छापेमारी में कई संदिग्ध सामग्रियां बरामद की गई है। NIA के प्रवक्ता ने कहा कि ये मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 6 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित है। इनमें 3 बांग्लादेशी अवैध प्रवासी भी शामिल है। NIA ने कहा कि वे JMB की विचारधारा के प्रचार और युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रेरित करने में शामिल थे। भोपाल के आतंकवाद रोधी दस्ते ने JAB की विचारधारा को प्रचारित किए जाने से संबंधित मामला मार्च में दर्ज किया गया था। अप्रैल में NIA की ओर से मामला फिर से दर्ज किया गया। NIA ने कहा कि संदिग्धों के परिसरों में तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और कई अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई है। इस मामले में जांच जारी है। NIA सूत्रों का कहना है कि इस मामले में आगे भी खुलासे हो सकते हैं। देवबंद में 2 स्थानों पर छापेमारी की गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ से पहले प्रवर्तन निदेशालय को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। जांचकर्ता इसे यंग इंडियन और उसके कोलकाता की शेल कंपनी डॉटेक्स मर्चेंडाइज के संदिग्ध 1 करोड़ रुपए के असुरक्षित ऋण से संबंधित अहम डिटेल मान रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि जांच में पता चला है कि सुनील भंडारी और सुनील संगनेरिया डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड बल्कि कोलकाता की 50 अन्य कंपनियों के भी निदेशक थे। ये कंपनियां काले धन को वैध बना रही थी। वैसे भी कंपनीज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति केवल एक कंपनी में ही पूर्णकालिक निदेशक हो सकता है। ईडी यंग इंडियन कंपनी की जांच कर रही है, जिसके बड़े शेयर धारक सोनिया और राहुल गांधी है। इस कंपनी ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया था। कोलकाता के शेल कंपनी के जरिए 1 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग सिलसिले में गांधी परिवार की जांच की जा रही है। जांचकर्ता सोनिया गांधी से ये सवाल कर सकते हैं कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए कैसे भुगतान किया। कांग्रेस दावा कर रही है कि पेमेंट कैश या चेक में दिए गए हैं, जबकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल जांचकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सके हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के सीनियर नेता अब तक मोड ऑफ पेमेंट के बारे में समझा नहीं पाए हैं। ट्रेनों के शौचालयों में गंदगी रहने की लगातार शिकायतें मिलने पर रेलवे ने अपने अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर देश भर में ट्रेनों का निरीक्षण करने और इसके मुख्य कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि दूसरे चरण में रेलवे बोर्ड स्तर के अधिकारियों को यात्रियों की समस्याओं को देखने के लिए 24 घंटे के लिए ट्रेनों के 3 AC के डिब्बे में यात्रा करने के लिए कहा जा सकता है। पिछले 3 दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों ने 544 ऐसे निरीक्षण किए हैं। सोशल मीडिया में ऐसी शिकायतें देखने में आम है, जहां यात्री ट्रेनों में पानी की कमी से लेकर शौचालयों में गंदगी की समस्या के बारे में बताते हैं। नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले एक यात्री ने शिकायत की कि जब उसने ट्रेन के बायो शौचालय का फ्लश चलाया तो सारी गंदगी उसी के ऊपर आ गई। यात्री ने उत्तरी रेलवे से इसकी शिकायत की, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार बैठकें की और शौचालय के कल पुर्जे की समीक्षा की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक अधिकारी नियुक्त करने के पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें पता चले कि वास्तव में है क्या। ये भी जरूरी है कि वे देखें कि यात्रियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के उदयपुर में कल कन्हैयालाल नाम के टेलर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की वजह से मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद नाम के आरोपियों ने उनका गला रेत लिया। कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में घुसे आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। कन्हैयालाल की हत्या से उपजे आक्रोश को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने पूरे राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है और सभी जिलों में धारा 144 लगा दी है। दोनों आरोपी राजसमंद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकार ने धमकी के बावजूद समझौता कराने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। साथ ही कन्हैया के परिजनों के लिए आर्थिक मदद और परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी देने का ऐलान किया है। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद मृतक कन्हैयालाल का शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कन्हैयालाल की हत्या अचानक नहीं की गई है। कट्टरपंथी पहले से ही कन्हैया की हत्या की धमकी दे रहे थे। कन्हैया ने 15 जून को पुलिस से शिकायत करते हुए सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट करने के बजाय समझौता करा मामले को रफा दफा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में मेडिकल सीटों के खाली रह जाने पर चिंता प्रकट किए जाने के बाद सरकार इसके लिए नया तंत्र विकसित करने की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मदद से अगले सत्र से एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करेगा जिससे प्रवेश की अंतिम तारीख तक सीटों के खाली रह जाने की आशंका खत्म हो जाएगी। हाल में पीजी की 1456 सीटें खाली रह जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी प्रकट की थी। एक तरफ पीजी की सीटें कम है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सीटों का खाली रह जाना चिंताजनक है। इसी प्रकार MBBS की ऑल इंडिया कोटे की 323 सीटें भी इस साल खाली रह गई थी। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटे की करीब 3000 MBBS सीटें नहीं भर पाई थी। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिन प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है उनमें मापदंड बनेंगे ताकि खाली सीटों को भरा जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि प्रबंधन कोटे की ज्यादा सीटें खाली रह जाती है क्योंकि मेडिकल कॉलेजों द्वारा ज्यादा राशि की मांग की जाती है, जबकि पीजी में कुछ सीटें इसलिए भी खाली रह जाती है क्योंकि कोई उनके लिए आवेदन नहीं करता।
फिलहाल देश में MBBS की 91,000 और PG की 42,000 सीटें हैं। इस साल PG की खाली सीटों में 930 सीटें सुपर स्पेशलिटी कोर्स की थी, जिनकी कुल संख्या ही देश में 7,748 है। इन सीटों को भी अभी भरने की प्रक्रिया चल रही है। चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक शुरू किया है। तो रूस ने अपने देश में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी और बेटी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं चीन और नेपाल के बीच हुए एक समझौते से पता चलता है कि कैसे चीन इन प्रोजेक्ट्स के जरिए नेपाल में आर्थिक आधिपत्य चाहता है। तो उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेडवेदेव ने कहा है कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर कोई भी अतिक्रमण रूस के खिलाफ की घोषणा होगी, जो कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण तक बन सकता है। इसी बीच नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू को LMC में गोलगप्पे पर बैन लगा दिया है। घाटी के ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैजा के केस बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक शुरू किया है। इस अभ्यास में 26 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में अमेरिका समेत सभी देश अपने महाविनाशक जंगी जहाजों और हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना भी इस अभ्यास में अपनी जोरदार ताकत का प्रदर्शन कर रही है। यह महाअभ्यासक 4 अगस्त तक चलेगा। इस अभ्यास के दौरान अमेरिका अपने मानव रहित युद्धपोतों का भी प्रदर्शन करने जा रहा है, तो तकनीकी दुनिया में अजूबा कहा जा रहा है। नौसैनिक अभ्यास के दौरान कई ड्रिल किए जाएंगे, जिसमें समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बियों को खोज निकालना और बर्बाद करना, हवाई सुरक्षा अभ्यास और समुद्र में तस्करी रोकने जैसे अभियान को अंजाम दिया जाएगा। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया के आसपास किया जाएगा। यह वही इलाका है जिसमें चीन के साथ अमेरिका का काफी तनाव चल रहा है। इस अभ्यास को अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 38 युद्धपोत, 4 सबमरीन और 9 जमीन आधारित सैन्य बल, करीब 170 एयरक्राफ्ट और 25,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। रूस ने अपने देश में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी और बेटी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने कहा कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी और बेटी उनके देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार बाइडेन की पत्नी जिल और बेटी एशले सहित 25 लोगों के नाम रूस की स्टॉप लिस्ट में जोड़े गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के 4 सीनेटरों के भी रूस में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। रूस का दावा है कि ये सीनेटर उनके देश के खिलाफ काम कर रहे थे। इनमें रिपब्लिकन मिच मैकोनेल, सुसान कॉलिंस, बेन सासे और डेमोक्रेट कस्टर्न गिलीब्रेंड के नाम है। प्रतिबंधित सूची में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के लेखक फ्रांसिस फुकुयामा का भी नाम है। इससे पहले अमेरिका ने पुतिन की बेटियां मारिया पुतिन व कैटरीना तिखोनोवा को और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और बच्चों के अलावा रूस की सुरक्षा परिषद के सदस्यों और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पर प्रतिबंध लगाया था। यही नहीं, अमेरिका ने पुतिन परिवार के सभी करीबी सदस्यों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से दूर कर दिया था और इनकी अमेरिका स्थित सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अन्य देशों पर अपना आर्थिक आधिपत्य चाहता है। एक रिपोर्ट बताती है कि चीन और नेपाल के बीच हुए समझौते से पता चलता है कि कैसे चीन इन प्रोजेक्ट्स के जरिए नेपाल में आर्थिक आधिपत्य चाहता है। मई 2017 में दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। दरअसल चीन ने इस समझौते के जरिए मुक्त व्यापार, कनेक्टिविटी के नाम पर नेपाल में अपने आर्थिक आधिपत्य, शर्तों और निहित स्वार्थ को थोपने की कोशिश की है। रिपोर्ट बताती है कि समझौते डॉक्यूमेंट से साफ पता चलता है कि चीन नेपाल की इकोनॉमी पर हावी होना चाहता है और नेपाल में चीनी मुद्रा का इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं कर पाने पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। राजनीतिक विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए चीन का नेपाल पर भारी दबाव हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि 5 सालों के बाद भी नेपाली आम नागरिक को इस समझौते का सच नहीं पता है।
रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब क्रीमिया को लेकर रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। इस चेतावनी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर कोई भी अतिक्रमण रूस के खिलाफ की घोषणा होगी, जो कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण तक बन सकता है। इसीलिए रूस अतिवाद से बचे और दुनिया को अनावश्यक युद्ध में ढकेलने का कारण न बने। मेदवेदेव ने कहा है कि हमारे लिए क्रीमिया रूस का हिस्सा है और यह हमेशा के लिए है। क्रीमिया पर अतिक्रमण करने की कोई भी कोशिश रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। उन्होंने कहा कि अगर नाटो गठबंधन द्वारा क्रीमिया पर किसी तरह के अतिक्रमण की कोशिश होती है तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। मेदवेदेव मौजूदा वक्त में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश नाटो में शामिल हो जाते हैं तो रूस अपनी सीमाओं को और मजबूत करेगा और जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार होगा और इसके तहत इस्कंदर हाइपरसोनिक मिसाइलों को हम अपनी सीमा पर स्थापित कर सकते हैं। इसी बीच रूस ने फिर कहा है कि यूक्रेन के साथ जारी युद्ध फिलहाल खत्म होने वाला नहीं। यूक्रेन अगर आत्मसमर्पण करता है तो युद्ध रुक सकता है। नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू के एलएमसी में गोलगप्पे पर बैन लगा दिया है। घाटी के ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैजा के केस बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। दावा किया गया है कि पानीपुरी में इस्तेमाल होने वाले पानी में कॉलरा बैक्टीरिया पाया गया है। म्यूनिसिपल पुलिस चीफ सीताराम हचेतू के मुताबिक भीड़भाड़ वाले इलाकों और कॉरिडोर एरिया में पानीपुरी की बिक्री पर रोक लगाने की पूरी तैयारी की गई है। उनका कहना है कि पानीपुरी की वजह से हैजा के मामलों के बढ़ने का खतरा है। काठमांडू में हैजा के कुल मरीजों की संख्या 12 हो गई है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी चमनलाल दास ने कहा कि काठमांडू मेट्रोपोलिस में कॉलरा के 5 मामले पाए गए। इसके अलावा एक केस चंद्रागिरी म्यूनिसिपलिटी में और एक बुधानी कांता म्यूनिसिपलिटी में पाया गया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि हैजा का कोई भी लक्षण नजर आते ही नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। लापरवाही कतई न बरतें क्योंकि यह घातक हो सकता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश और गर्मी के मौसम में फैलने वाली जल जनित बीमारियों जैसे कि डायरिया कॉलरा से सावधान रहे। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।